अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आपको, हमको, हम तमाम लोगों को अच्छा रखे। हम सबके नेक हाजतें, नेक तमन्नाएं पूरी करे। जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उनको रोज़गार से लगा दे, जो रोज़गार से अल्लाह ताला रोज़गार में खैर बरकत दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको सरातल मुस्तकीम पे, ईमान पे चलने वाली औलाद अता करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं आपको बताने जा रही हूँ हैदराबादी सुतरियाँ। सुतरिया भी कोई लोग बोलते हैं, चकोलियाँ भी कोई चीज़ बोलते हैं। मटन के है ये, ऑयल टेनेमली, क्योंकि ये पराठे है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े कर ली इस टाइप के, तो इसमें ऑयल लगा हुआ रहता। आप चपाती फुलका जो बोलते हैं ना, उसके भी बना सकते, थोड़े पतले रहना, मोटे नहीं रहना। तो ये 4 पीस है, 4 पराठे है ये, मीडियम साइज के 4 पराठे है, कल के है, आज के नहीं है, फ्रेश नहीं है, कल के है। मीडियम फ्लेम पर रखी, ऑयल पहले गरम कर ली थी मैं थोड़ा। अब इसमें 1 मीडियम साइज अनियन लिया, और इसमें खड़े गरम मसाले नहीं डालेंगे, जैसा साबित शाहजीरा, इलायची, ये सब पीस के डालेंगे, दम पे डालेंगे, दम पे डालना है इसके अंदर, क्योंकि जब सुतरिया खाते हो तब इलायची, लौंग, दालचीनी आए तो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा फ्राई करेंगे। और कैसे हैं आप सब लोग, क्या क्या बनाए आप लोग? अब जो जो मैं बताते जा रही हूँ सब चीज़ों में से बताइए कमेंट करके। नहीं बनाए तो भी बताइए, बताए तो सॉरी बनाए तो भी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब तो अच्छे हैं माशाल्लाह से, मगर थोड़े लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मगर जब वीडियो नहीं आते बीच में या आते तो पूछते कि आंटी भी रेसिपी नहीं आ रही बोलती। तो अगर आप सब्सक्राइब करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि रेसिपी आ रही या नहीं आ रही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों से बात करते करते प्याज थोड़ी रेड कर ली मैं, इतनी ये कलर है ना है। 1 टीस्पून पहले हाफ टी स्पून डाली, फिर थोड़ा सा डाली, 1 टीस्पून फुल नहीं होना है। इसके अंदर है 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। नमक, मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए, हरी मिर्ची नहीं डालते सुतरियों में। अगर आप खाते वक्त डाल के बारीक कट करके डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, ये डाल दूंगी मैं। आप इसको वेज भी बना सकते हैं, नॉन वेज, मैं मटन में बना रही हूँ। और आप लोग पूछेंगे, और ये मटन है 250 ग्राम हड्डी वाला, थोड़े पीस बड़े रहना है सुतरियों में तो अच्छा लगता। अगर आप छोटे करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते, जितनी रोटी है ना उस हिसाब से आपको मटन लेना है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बगैर हड्डी वाला भी। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, आप लोग पूछेंगे आंटी, अभी बोल रही हूँ मैं, ये टमाटे है 400 ग्राम रेड है, उसको कट कर ली मैं गोल स्लाइसेस में। गैस बंद करके करना है ये, क्योंकि मैं इसमें अब थोड़ा सा दही डालूंगी तो दही फटना नहीं बोलते, मैं पहले से ठंडा कर लिया। 2 टीस्पून ये स्पून के हिसाब से, ओनली 2 टीस्पून, 1/2 लेमन भी जाएगा इसमें। अगर मैं गैस ऑन रख के करती ना तो रवे के जैसे दाने दाने आ जाते इसके अंदर, थोड़ा सब्र से बनाना। अब गैस ऑन करूंगी, अभी कोथमीर पुदीना कुछ भी नहीं डालूंगी मैं इसमें, दम पे डालूंगी सब, गरम मसाला भी दम पे जाएंगे। ये कुछ कम 1 कप वाटर है, ये दही के इसमें डाल दे रही हूँ मैं पहले। पानी लगेगा इसमें अभी 1 कप पानी डाल दी मैं, क्योंकि गोश्त अच्छे से गलना और थोड़ा पानी रहना इसमें तो सुतरियों का मज़ा जब अच्छे से आता, क्योंकि बोलते हैं मटन का, टमाटे का, दही का फ्लेवर छूटता ना, तो थोड़ा पानी अपन एक्स्ट्रा डालना, बाद में बताऊंगी मैं आप लोगों को, थोड़ा इसका पानी रहना। अब मीडियम फ्लेम पे 6 सीटी लगाऊंगी मैं, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त है, थोड़ा अच्छा गला तो टेस्टी होता। सीटी आ गया इसको, गैस ऑन कर रही हूँ मैं, मीडियम फ्लेम पर रखूंगी।
मैं बोली नहीं, थोड़ा पानी था ना उससे टेस्ट आता बोल के, तो गोश्त अच्छे से गल गया। क्यों तो 6 सीटी में गल जाता गोश्त, सॉफ्ट ही है गोश्त, उतना हार्ड नहीं था। थोड़ा इसको ऐसा बारीक कर लेना टमाटर को उसको, और इधर गर्म पानी रखी हुए, गर्म पानी डालना, ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, और एक दिन पहले की रोटी रही तो गर्म पानी डालना, अगर फ्रेश रोटी के डाल रहे हैं तो ठंडा पानी की भी डाल सकते हैं आप। कितना पानी लगेगा बताऊंगी आपको, इसका जूस इसमें है, ये पानी में रहना तो सुतरियों में पानी रहना, ये मैं कभी चकोलियां बोलती हूँ कभी ये बोलती हूँ सुतरियां। और एक पुराने जमाने के आते हैं मगर चैनल पे नहीं है मेरे, बताई भी नहीं मैं, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत है, तो आप लोग बोलेंगे आंटी इतनी लंबी रेसिपी कहीं को बताए, बोलते मेहनत है। मेरे चाची के घर में अभी भी वही सुतरियां बनते, वो टेस्टी रहते, वो भी रोटी के अलग मजा के रहते, वो बिल्कुल मैं बताती हूँ भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेहनत है, बता सकती हूँ मैं, फिर बताती हूँ बोलती हूँ नहीं बताए तो आप लोग बोलते आंटी वो नहीं बताए, इसलिए नहीं बोल रही हूँ बताती हूँ। इधर तक गैस बंद कर देंगे, गरम पानी है ये 1 कप डालूंगी मैं, और ये 1/2 कप। पहले अपन इसमें 2 कप डाले थे ना, तो 1 कप सूखा होगा पानी, गरम पानी डालने से जल्दी भी पक जाता बॉइल भी जल्दी आ जाता। अब इसको अच्छे से बॉइल होने दूंगी फिर बताऊंगी आपको। ये पुदीने के पत्ते 4 से 5 अब ये टाइम डाल देंगे, स्टार्टिंग में नहीं डालना टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब ये पानी अच्छे से बॉईल होना, ऐसा पानी बॉईल होना तो जब रोटी डालना, अब ये रोटी डालनी है, बड़े बड़े पीसेस नहीं करना, छोटे छोटे बच्चों को अपन कैसा खिलाते हैं उस टाइप के। इसको मीडियम फ्लेम पे करूंगी मैं, मीडियम पे तो है, थोड़ा लो फ्लेम करी, पकना है ये। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर दम पे डालना है, एंड से थोड़ा पहले तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता। अब एकदम सिम पे कर दूंगी मैं, अब इसको 10 मिनट रखूंगी, इसके बाद फिर कोथमीर और नींबू डालेंगे। अब इसमें अपना थोड़ा सा कोथमीर डालेंगे, और ठंडे हो गया एकदम पेस्ट के जैसा होता। अगर आप लोग लूज खाना चाह रहे हैं तो पानी और डाल सकते हैं, इतनी क्वांटिटी को बढ़ते। अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन डाल दूंगी, अब बिल्कुल बन के तैयार है ये, और इसके ऊपर से घी डाल लेना है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, सुतरियाँ बन के बिल्कुल रेडी है। घी डाल के अगर आप खाना चाह रहे हैं तो खाइए, बटर डाल के खाना चाह रहे हैं तो खाइए। रोटी में नमक रहता, अगर आपके घर में आटे में नमक डाल रही तो इसमें नमक कम रहना, रोटी में रहा तो इसके अंदर कम डालना, क्योंकि अदरक लहसुन में भी रहता तो टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, मिर्ची भी अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये 2 से 3 आदमी खा सकते हैं आप, चाहे ब्रेकफास्ट में बनाइए, डिनर में बनाइए, या लंच में बनाइए, 3 टाइम भी कोई भी बना सकते। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।